गुड मॉर्निंग सबको, राधे राधे, नमस्ते। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आज हम लोग सीखेंगे बड़ा मोमबत्ती कैसे बनाते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं बड़ा मोमबत्ती कैसे बनाते हैं। ये है हमारी मनोषा जी। मनोषा जी से आज सीखेंगे बड़ा मोमबत्ती कैसे बनाते हैं। और हमारी मनोषा जी बहुत फेमस है, मोम बनाने में बहुत मशहूर है। तो उनसे सीखेंगे आज हम लोग मोमबत्ती कैसे बनाते हैं। सबसे पहले डाइज में तेल लगाना होगा। तो देखिए हमारी मनोषा जी डाइज में तेल लगा रहा है। तेल कैसे लगाते हैं ये भी सीखना जरूरी है, और तेल क्यों लगाते हैं ये भी जानना जरूरी है। तेल लगाने से हम लोग जब गर्म पैराफिन वक्स डालते हैं तो जल्दी से जल्दी मोम खुल जाएगा और टूटेगा भी नहीं। तो देखिए अभी मनोषा जी धागा लगाना स्टार्ट किया है। धागा कैसे लगाते हैं ये भी देखिए। देखिए धागा लगाने का काम खत्म। अभी मशीन का दो पार्ट आप लोग देख ही रहे हैं। तो अभी मशीन की दो पार्ट को एक साथ करेंगे, करके एक लॉक है, लॉक को टाइट करना है। तो देखिए लॉक को किस तरह से टाइट किया जाता है। तो हो गया मशीन का लॉक टाइट। अभी डाइस में पैराफिन वैक्स डालना होगा। तो फ्रेंड्स ये है पैराफिन वैक्स। इस पैराफिन वैक्स से ही हम लोग मोमबत्ती बनाते हैं। ये इंडियन ऑयल का प्रोडक्ट है और क्वालिटी भी बहुत अच्छा है। तो इस क्वालिटी से ही हम लोग मोमबत्ती बनाते हैं। और ये देखिए फैक्ट्री में काम भी चल रहा है। आज संडे है तो इसलिए लोग कम ही आया है। तो चलिए चूल्हा के सामने जहाँ हम लोग पैराफिन वैक्स को पिघलाते हैं, देखिए बोरा तो खुल गया। ये है पैराफिन वैक्स, आप लोगों को दिखा देते हैं पैराफिन वैक्स किस तरह की है। ये देखिए पैराफिन वैक्स। तो अभी इसको कढ़ाई में दे देते हैं। और ये जब पिघल जाता है इसके बाद ही इसके लिक्विड से हम लोग मोमबत्ती बनाते हैं। तो देखिए मनोषा जी पैराफिन पिघला हुआ पैराफिन वैक्स ले रहा है। पैराफिन वैक्स लेके आप लोगों को दिखाएंगे मनोषा जी कि मोमबत्ती कैसे बनाया जाता है। तो देखिए गाइस में कैसे पैराफिन वैक्स को डाला जाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रोसेस है, आप लोग ध्यान से देखिएगा तो आप लोग जल्दी से जल्दी सीख जाएंगे। तो हो गया पैराफिन वैक्स डालने का काम खत्म। अभी धागा की ऊपरी हिस्सा को एक बाडाली से काट दिया मनोषा जी ने। तो अभी 10 मिनट वेट करना होगा, ये जब जम जाएगा खोल के आप लोगों को दिखाएंगे। तो देखिए मुझे लगता है मोम जम के तैयार हो गया। अभी मनोषा जी डाइस की ऊपरी हिस्सा को बाडाली से काट देगा और इसके बाद ही डाइस को खोल के आप लोगों को दिखाएंगे। तो देखिए डाइस को किस तरह से खोला जाता है। ये हो गया मोमबत्ती बन के तैयार। देखिए मनोषा जी के लिए एक लाइक तो बनता है। बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत तरीका से आप लोगों को मोमबत्ती बनाना सिखा दिया। तो कमेंट में आप लोग जरूर बोलना कि मनोषा जी का मोमबत्ती बनाते हुए आप लोगों को कैसा लगा है। देखिए पूरा मोम खोल दिया और मोमबत्ती पूरा जमा नहीं है, ये थोड़ा थोड़ा टेढ़ा हो रहा है। देखिए मनोषा जी बीच में से धागा को काट दिया और ये मोमबत्ती पूरी तरह से जमा नहीं था, तो इसलिए अभी फ्लोर में थोड़ा सा जमने के लिए रखना होगा। तो इस तरह से हम लोग फ्लोर में रखते हैं। तो देखिए आप लोगों को कैसा लगा वीडियो। अगर अच्छा लगा तो मनोषा जी को एक लाइक कर दीजिए। तो देखिए मोम बन के हो गया तैयार। और अभी हम लोग मोम जहाँ रखते हैं वहाँ रख रहा है मनोषा जी। और इस तरह से हम लोग मोमबत्ती बनाते हैं। इस तरह से ही हम लोग मोमबत्ती को बनाते हैं। पूरा प्रोसेस आप लोगों को दिखा दिया। तो इसके साथ ही इस वीडियो को आज यही समाप्त करते हैं। थैंक यू वॉचिंग आवर वीडियो।